एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मेरे पास यहाँ पे दो पायल है, पायल पर्पल, पायल रेड। आपको जो भी पायल चूज करनी है, आप अपने अपने जानने के लिए कि आपका महीना कैसा रहेगा, आंसर जानने के लिए आप देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि इस रीडिंग में हमने टैरो इंक्लूड किया है और एक कलर कार्ड ऐड किया है, जस्ट टू सी कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रह सकता है इस महीने के अंदर। उसके अलावा ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड हैं, चार्म्स हम ऐड नहीं करेंगे। सो या बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो या लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों ने पायल पर्पल चूज किया, उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। लेट्स सी, पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, इनडिसाइसिवनेस हो में होगे शुरू में। ओके, अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, इट्स गोना बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ अ मंथ फॉर यू। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ रहेगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी। आप मुझे लग रहा है कि महीने का जो शुरू का टाइम होगा, स्पेशली जो पहला हफ्ता होगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, आपके अंदर इनडिसाइसिवनेस भी रहेगी। कहीं ना कहीं आपका एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो रहेगा, वो माइंड और हार्ट का रहेगा। आपका दिल कुछ कह रहा होगा, आपका दिमाग कुछ कह रहा होगा, आपकी गट कुछ कह रही होगी, आपका इनर कॉलिंग जो होती है, वो आपको कुछ और कह रहा होगा। सो काफ़ी मुश्किल रहेगा आपके लिए एक सही रास्ता चूज़ करना, क्या डिसीजन आपके लिए सही है वो चूज़ करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है। हो सकता है कि जो आपका गट कह रहा हो, वो आपका हार्ट कह रहा हो कि नहीं, आई एम टू वीक फॉर दिस। जैसे सपोज अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, या आपके लिए इस इंसान के लिए इंतज़ार करना लव लाइफ में शायद वो सही नहीं है, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपके इमोशंस जो है वो योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग फास्टर, क्योंकि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, ऐसा आपको लगता है। सो मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपका हर चीज़ लाइक दिल, दिमाग, गट फीलिंग, ये जो एक इनर कॉलिंग होती है, वो सारी जो भी चीज़ें हैं, वो सारी एक दूसरे से अलाइन नहीं है। जो भी वो एक चीज़ कह रहा है, आपका दूसरा आपका हार्ट दूसरी चीज़ कह रहा है, आपका माइंड दूसरी चीज़ कह रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन रहेगी, लेकिन यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। आपको एक चीज़ के लिए अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, जहाँ पे अच्छा ये सिचुएशन लाजमी नहीं आपके लव लाइफ में हो सकता है कि आपके काम के मामला में हो सकता है कि आपके पास दो जॉब ऑफर हो जिसमें से आपको चूज़ करना हो सकता है आपके पास दो प्रपोजल्स हो जिसमें से आपको चूज़ करना हो। लेकिन अगेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट चेंज नहीं होगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होगा स्टार्टिंग में, जो कि जिसको लेकर आप कॉन्फ्लिक्टेड रहोगे, जिसको लेकर आप इंडिसाइसिव रहोगे। अगर आपको ट्रैवल करना है, उसको लेकर आप इंडिसाइसिव रहोगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जॉब करनी है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, शादी का प्लान करना करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो वो उस तरह की सिचुएशन एक रहेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपको करना चाहिए वो आपका दिल नहीं मान रहा करने को। सो इट्स मोर लाइक कि आपका जो दिल है, जो इमोशंस हैं बेसिकली, वो रास्ते में आ रहे हैं राइट डिसीजन लेने के। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो जाओ, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ थोड़ी, और अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग करते हुए डिसीजन लोगे, वो आपके हक में बेहतर रहेगा। चाहे वो हो सकता है फैमिली से दूर जाना हो कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपको हो सकता है कहीं बाहर से जॉब ऑफर आई हो और आप ट्रैवल करना पड़े, आपको दूर जाना पड़े, तो आपको लग रहा है कि नहीं, मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। या जैसे अगर प्रपोजल कहीं बाहर से आता है, वैसे यूजली प्रपोजल वाले सीन में तो लोग तो हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो बाहर का प्रपोजल कर लो, तो वो चीज़ शायद हो कुछ लोगों के लिए, बट या लेकिन मेजॉरिटी लोग तो उसमें खुश होते हैं कि अच्छा बाहर का सीन हो जाएगा, तो दैट वुड बी गुड। बट यस, मुझे लग रहा है कि इस तरह से एनर्जीज हैं कि कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका हार्ट इज़ टेलिंग यू नॉट टू गो फॉर इट, लेकिन आपके लिए करना वही बेहतर होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ के साथ लाइक यू हैव टू बी स्ट्रांग टू टेक दैट डिसीजन, क्योंकि उससे शायद आप प्रॉस्पेक्ट नहीं देख पा रहे हो उस डिसीजन का, जो कि आपका माइंड कह रहा है या जो आपकी गट फीलिंग है, आप उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शायद आप फियरफुल हो कि मतलब जो इट्स मोर लाइक कि आप इमोशनल होके डिसाइड करना चाह रहे हो, जबकि आपको इमोशनली नहीं डिसाइड करना, आपको अपने ब्रेन यूज़ करते हुए डिसाइड करना है। सो
आपको शायद लग रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ डिसीजन लेते हो, अगर आप किसी एक इंसान को या तो छोड़ देते हो या फिर आप उससे दूर चले जाते हो या फिर आप जॉब एक ऐसी सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें आपको शायद फैमिली से दूर जाना पड़े, तो आपको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा सैड होगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या आपको करंट पर्सन को छोड़ के जाना पड़ रहा है, या जो भी आपके माइंड में एक वो सिचुएशन आ रही है जिसके अगर अगर कोई करंट पर्सन आप छोड़ के जा भी रहे हो तो ट्रस्ट मी, वो पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट. मतलब जिसके ऊपर आप फोकस्ड रखे हो उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. व्हेन आई से बेटर ऑप्शन, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उन लोगों की जो कि ऑलरेडी हैप्पी रिलेशनशिप में है, मैं उनकी बात करी जो टॉक्सिक कनेक्शंस में है, जिनका आप आपकी कप्स जो है वो ऑलरेडी स्पिल्ड हैं, वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है, उसको आप ड्रैग किए जा रहे हो. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है सो मैं उन लोगों की बात करी जो कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है बट स्टिल आप उसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू लव दैम, यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर दैम. लेकिन अगर आप मूव ऑन करोगे तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी जो कि आपको वही देने के लिए रेडी होंगे जो आप चाहते हो. और मुझे लगता है बाय द टाइम आप नवंबर के एंड में पहुंचोगे तो आपको वो चीज़ रियलाइज हो जाएगी, क्योंकि आई डू सी यू गेटिंग स्ट्रेंथ और आप उस डिसीजन को लेके आगे चलोगे. आप सेटल इन फॉर लेस नहीं कर रहे, आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे, क्योंकि दिल की बात सुन के आपने ऑलरेडी काफ़ी सारा काफ़ी सारी टाइम अपना अपनी लाइफ का वेस्ट किया है ऑलरेडी. सो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने पायल वन चूज़ किया, पायल पर्पल चूज़ किया, वो अपने इमोशंस को अपने या अपने अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इमोशंस और माइंड इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. लेकिन अगर आप मैनिफेस्टर हो सकता है ये जो आप कंफ्लिक्टेड हो शुरू में वो हो सकता है कि आपके आपका डर और आपका माइंड हो. अगर आप मैनिफेस्टर नहीं हो, अगर आपको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करती है, चीज़ें कैसे इस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, देन आपकी सिचुएशन में वो माइंड हार्ट और गट फीलिंग वाली सिचुएशन है. लेकिन जो लोग मैनिफेस्टर हैं हो सकता है कि आपके टू स्टे फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट वो चीज़, वो आपके लिए काफ़ी वो हो जाएगा. उसको उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अपने माइंड को हावी ना होने देना अपने थॉट्स के ऊपर, बल्कि अपने थॉट्स को जो है अपने माइंड के कंट्रोल में रखना, वो शायद आपके लिए एक टफ सिचुएशन रहेगी. लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आप अपना डिसीजन राइट वाला ले सकोगे और आप वो डिसीजन लोगे जिससे आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें ला सकते हो, वो बिगिनिंग्स ला सकते हो जो आप चाहते हो, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हैं. और आपका जो भी फियर था जो आपको रोक रहा था, या इनडिसाइसिवनेस थी, जो भी चीज़ थी जिससे आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आप बाय द टाइम यू गोना रीच द एंड, लास्ट जो 10 डेज होंगे नवंबर के, उसमें आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ चुकी होगी. हाँ, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़ेंगे, कुछ नेगेटिव थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, कुछ इनडिसाइसिवनेस छोड़नी पड़ेगी, कुछ आपको स्ट्रेंथ अपनी बनानी पड़ेगी, कुछ कॉन्फिडेंस लाना होगा, कुछ 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 को अपने आप को दूसरों को कंट्रोल करने से रोकना होगा, अपने आप को कंट्रोल होने से रोकना होगा. जैसे शायद आपको आपके डिसीजंस, आपकी आपके थॉट प्रोसेस किसी और के कहने पे चलते हैं. अगर ऐसा भी है तो आपने अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि आपका डिसीजन आपके लिए सही होगा. सो बी श्योर कि ये जो भी चीज़ें, जो भी बातें मैंने मेंशन की है, जाहिर है हर लोग, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट बातें इंपॉर्टेंट होंगी. सो मुझे जो मैसेजेस मिले मैंने वो कन्वे किए, आगे आप अपने अकॉर्डिंगली उस मैसेज को पिक कर लो. लेकिन मुझे लगता है कि बाय द टाइम यू गोना रीच द एंड, आप काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो गए अपने डिसीजंस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उन चीज़ों को लेकर भी. हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ के मामले में कॉन्फ्लिक्टेड हो कि आपकी फैमिली कुछ और कह रही है, आप कुछ और चाहते हो, चाहे वो स्टडीज़ के बारे में, चाहे वो किसी लड़का या लड़की के बारे में है. तो अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है, आप महीने के आखिर तक आपकी सिचुएशन इतनी हद तक बेहतर हो चुकी होगी, आपने इतना खुद के ऊपर काम कर लिया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि आप उस कैद से आज़ाद होगे जहाँ पे आपको किसी और के कहने पे कोई डिसीजन लेना पड़े. आप खुद से इतने मेच्योर, इतने अवेयर्ड होगे, इतने इवॉल्व हो चुके होगे कि आप राइट डिसीजन ले सको. आपको आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी खुद भी कि आपको फिर वो स्टक रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एक सिचुएशन को लेकर. सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है. पहले हम ओरेकल देखेंगे, देन कलर कार्ड ऐड करेंगे. ठीक है, पहले ओरेकल देखते हैं. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. आपका ये जो इट्स मोर लाइक, अगर आप चाहो तो ये स्टार्ट जो है, जो मुझे एंड की टाइम में ज़्यादा दिख रहा है, अगर आप डिसीजन पहले ले लो, अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखो, स्ट्रेट रखो, फोकस इंटैक्ट रखो,
और यू नो पास्ट की चीज़ों को या नेगेटिव चीज़ों को या जिनको आपको छोड़ना है उनको ड्रैग ना करो अपने प्रेजेंट में और देन इनटू फ्यूचर। तो आप ये अपने आप को आज़ाद जो है वो पूरा फ्लिप कर सकते हो, आप साइड पूरी फ्लिप कर सकते हो। आप ये जो यू नो जो एंडिंग में मुझे दिख रहा है कि नवंबर के एंड में एक पॉजिटिव चीज़ होगी, वो शुरू में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने अच्छे से इन चीज़ों को डील करते हो, कितने अच्छे से इन चीज़ों पर वर्क करते हो। लेकिन इवेंचुअली इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। आप अपने आप को इस यू नो इस बैक एंड फोर्थ या ऑन एंड ऑफ या यू नो राइट और रॉन्ग की उसमें नहीं रख सकते। आपको डिसीजन लेना है, यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। आपको उसके लिए एक्शन लेना है, आपको एक्शन लेना ही है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, कंफ्यूज रहते हो या सोच में रहोगे कि यू नो मैं ये करूँ या वो करूँ, तो वो सही नहीं है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, डिसीजन लो। डिसीजन मुझे लगता है कि आपका जो भी है वो आपको इमोशनली नहीं लेना, इस बार एटलीस्ट नहीं लेना। मुझे नहीं पता कि ये किस एरिया से रिलेटेड है, जो भी डिसीजन आपको लेना है, आपको डिसीजन वो लेना है जो आपका आपका गट आपको यू नो द इनर कॉलिंग को लिसन करो एंड देन टेक दैट डिसीजन। मुझे लेकिन लगता है कि काफ़ी हद तक आपका माइंड और गट आपको सेम मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़े इमोशनल होके उस डिसीजन को नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर लो, अगर आप वो स्ट्रेंथ बना लो और वो डिसीजन ले लो जो आपको शायद हार्ड लग रहा हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको यू नो बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है कि आप क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और एक यू नो पिक अ कार्ड है उसके ऊपर से, सो इट्स लाइक यू नो बहुत सारे लोगों के साथ डिफरेंट चीज़ें मैच कर रही होंगी। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका जो माइंड है बेसिकली वो आपको यू नो आपको माइंड और हार्ट के बीच में से चूज़ करना है कि आप किसको चूज़ करो, और आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही कि आप यू नो सही डिसीजन ले सको। उसमें हो सकता है कि गट की सिचुएशन ही नहीं हो। लेकिन अगर आपका अगर आप यू नो अगर आप उस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप रिकन्सिलिएशन का वेट करो या इस तरह की किसी चीज़ का वेट करो, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, अगर आप मैनिफेस्टर हो तो आपने अपने आप को आपका माइंड आपको शायद माइंड चैटर आपका जो है वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने अपने फेथ पे जो है वो यू नो स्टिक रहना है। और तभी आप अगर रिकन्सिलिएशन चाहते हो तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको रिकन्सिलिएशन मिल सकती है। लेकिन बीच में कुछ भी ऐसा होता है, जो मैनिफेस्टर्स होते हैं दे वुड नो कि आपकी लाइफ में जो भी सरकमस्टांसेस चलते हैं आप उनसे अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देते, क्योंकि अगर आप अफेक्ट होने दे रहे हो देन यू आर नॉट अ मैनिफेस्टर। अगर आपको कुछ ऐसा होता है जिससे आपको लगे कि यू नो सब कुछ ख़त्म हो गया, आप तो यू नो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी इंगेजमेंट हो गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, दैट मीन्स कि आपको फियर्स थे, हैं और रहेंगे, आप कभी उसको पा नहीं सकते। अगर आपका फेथ इतना स्ट्रांग है, मेरे क्लाइंट्स काफ़ी सारे रहे हैं ऐसा जिनका जब मैंने रीडिंग की दैट शोड आपके ये दोनों साथ होंगे, एंड हुआ क्या कि गाय या गर्ल की उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है वो एंगेजमेंट हो गई, एंड द यू नो द पर्सन रीच आउट टू मी, एंड मैंने कहा लेकिन कार्ड्स में तो ये था, तो एनर्जीज तो ये थी, तो डेफिनेटली होगा, डू व्हाट आई सेड एंड देन सी। विद इन 1 वीक टाइम दे रीच आउट टू मी, दे टोल्ड मी कि यू नो द पर्सन रीच आउट टू देम, एंड यू नो इन सम सिचुएशंस होता ये था कि बंदे ने या बंदी ने झूठ बोला होता था, और अदर सिचुएशन में होता ये था कि उसको एंगेजमेंट करके ख्याल आया कि मैं तो प्यार इससे करता था या करती थी। तो आपके यू नो अगर आप उस तरह की किसी चीज़ पे गिव अप कर दोगे ये सोच के कि यू नो अब तो सिचुएशन ख़त्म होगी, सारा ख़त्म हो गया, तो यू नो यू आर नॉट अ मैनिफेस्टर। अगर आपको फेथ इंटैक्ट रहता है, जैसे एक इंसान का मुझे याद आया कि जॉब में भी हुआ था, जॉब या स्टडी का कुछ था, उसमें यू नो दैट पर्सन रीच आउट टू मी फॉर एफर्मेशन, आई डिड दैट एफर्मेशन फॉर दैट पर्सन, आई टोल्ड हर के यू नो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। अच्छा, उसमें हुआ ये था कि शी डिडेंट गेट दैट वन थिंग, वट एवर इट वॉज जॉब या यूनिवर्सिटी थी, जो भी था। हुआ क्या था उसके बाद कि शी फर्स्ट गॉट रिजेक्टेड एंड विद इन 1 वीक टाइम शी गॉट द कॉल फ्रॉम दैम अगेन, क्योंकि जिन जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था उस बंदी या बंदे ने उसको एक हफ्ते बाद छोड़ दिया। सो द नेक्स्ट पर्सन दैट दे चोज वॉज दिस वन पर्सन। सो अगेन, अगर आप मैनिफेस्टर हो सो आपके लिए एक करंट सर्कमस्टांस जो है वो आपको पागल नहीं कर देगा। यू वुड हैव अ फर्म फेथ इन इट एंड यू वुड नो कि बिगिनिंग न्यू बिगनिंग दैट यू डिज़ायर इज़ येट टू कम। न्यू बिगनिंग इज़ यू नो वही बात कि वो जो डायलॉग होते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो वाली चीज़ होगी कि अगर आप यू नो गिव अप कर जाते हो एक सिचुएशन में देन देर इज़ नथिंग, लाइक यू नो फिर तो आप अपनी लाइफ को वैसे करो जैसे फिर जैसे लोग कहते हैं कि यू नो दैट थिंग कि यू नो आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, या आप खुद बोलो कि आपके साथ हमेशा बुरा होता है, तो वो उस तरह की सिचुएशन में अगर आप चले गए तो दैट्स गन हैपन विद यू। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टर हो तो आप यू नो आपको उसमें होप नज़र आएगी, चाहे सब कुछ ख़त्म हुआ दिख रहा हो आपको, लेकिन आपको पता होगा कि इट्स नॉट फिनिश्ड येट। सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेज है, क्योंकि ये मंथली रीड है। सो यप,
लेकिन या एक्शन लेना इज अ मस्ट, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो चाहे वो यहाँ से एक्शन हो, जैसा आपको सही लगे आप वैसे एक्शन लो. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क एंड आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. आप लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इन मे बी इन हेल्पिंग यू टू टेक द डिसीजन. हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको राइट गाइड करें इस टाइम में. अगर आपको किसी भी तरह से फ्रेंड्स की जरूरत, यू नो, अगर आप किसी भी तरह से किसी सिचुएशन में स्टक हो, मे बी योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विद दैट, सो यू मे आस्क देम फॉर देयर हेल्प. उसके अलावा कलर कार्ड में आपके पास है लेवेंडर नंबर 44, कनेक्ट टू बॉडी माइंड एंड सोल, अलाइन करो खुद को एंड दैट्स हाउ यू विल गेट क्लोजर टू व्हाट यू वांट. ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और यू नो योर गट इज आस्किंग यू टू गो समवेयर एल्स. सो ट्राई टू अलाइन देम ऑल. लेवेंडर की यू नो वो भी मिलते हैं, कैंडल्स भी मिलती हैं, आप वो भी बर्न कर सकते हो. उससे ये है कि आपकी एनर्जी वाइब जो है वो घर में या रूम में जहाँ पे भी आप रहते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे, अगर आप लेवेंडर की कैंडल्स यू नो लाइट करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन ऑर्डर टू कीप यू अलाइंड, ताकि आप एक पाथ को चूज़ करो उसको फॉलो कर सको. सो उसके अलावा लेवेंडर के वो भी मिलते हैं, एयर फ्रेशनर्स भी मिलते हैं, यू कैन यूज़ दैट एज वेल. उसके अलावा ये कलर इन क्लोथिंग या किसी भी तरह से आप पहन सकते हो. सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पाइल वन चूज़ किया. ये रीडिंग काफ़ी लंबी होगी, 16 मिनट्स वाओ. सो बट या आई होप इट हेल्प यू गाइडेड यू इन वन वे ओर द अदर. सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल. जिन लोगों ने पाइल रेड चूज़ किया, देखते हैं कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. रेड पाइल, हम पहले स्टार्ट करेंगे टैरो से एंड उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे. लेट्स सी व्हाट द टैरो सेज. नाइट ऑफ वांड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द हेरोफांट. वाओ, आपने गिव अप नहीं करना पहली चीज. यू नो द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ, जो सेकेंड हाफ होगा इस महीने का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ अबंडेंस लेके आने वाला है. जिसके लिए भी आप अब तक कोशिश करें, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यू नो जिसके जिसके लिए भी कोशिश कर रहे थे, चाहे काम से रिलेटेड था, जॉब से रिलेटेड था, लव लाइफ से रिलेटेड था, किसी चीज़ में आपने एफर्ट किया और कंटिन्यूसली करते रहे, गिव अप नहीं किया कभी. चाहे आपको किसी ने कहा कि यू नो ये तो बहुत ही स्टूपिड हरकत है, यू नो इस चीज़ में इन्वेस्ट करना, अगर बिजनेस की बात हो, लोगों की बातों में एक तो नहीं आना, यू नो जस्ट लेट देम, यू नो जस्ट इग्नोर देम. और उसके अलावा जो भी आप कर रहे हो, जितना आप पैशनेटली एक चीज़ कर रहे हो उसको उतने ही पैशन से करते रहो, आपको बहुत जल्दी उसमें सक्सेस मिलने वाला है. स्पेशली जो सेकेंड हाफ होगा मंथ का, वो बहुत लकी रहेगा आपके लिए, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में लेके आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिजॉल्व हो जाएंगी, जो इशूज़ चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स हार्ड अर्नड थिंग, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपको कुछ मिल गया. इसके लिए आपने बहुत एफर्ट किया, चाहे वो किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चाहे वो एफर्ट यहाँ से हुआ, चाहे वो एफर्ट यहाँ से हुआ, चाहे वो एफर्ट यू नो फिजिकल हुआ, लेकिन आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है. आपने अपना पूरा पैशन एक्साइटमेंट के साथ एक चीज़ के ऊपर काम किया है और उसका फल आपको अराउंड द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो मिलेगा. अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली आप अपने टारगेट को रीच कर जाओगे. यू नो इट्स लाइक कि अगर आप रिकनसाइल भी करना चाह रहे हो किसी के साथ और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो स्लो स्टेप्स लो, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो जाएगा इवेंचुअली. तो कभी भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी डे ऐसा आता है जहाँ पे आपको लो फील होता है, डोंट गिव अप ऑन दैट. आप अपने राइट पाथ पे हो, चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही जा रही हैं जैसा आप चाह रहे हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो इवेंचुअली काम हो भी रहा है. ऐसा नहीं है कि आपने एफर्मेशंस किए और वो आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा. अगर दिख भी नहीं रहा, लाइक आई सेड, सर्कमस्टांसिस को फिलहाल इग्नोर करो. सेकेंड यू नो जो हाफ होगा मंथ का, उसमें आपको उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे. सो गिव अप नहीं करना, कंटिन्यू करो मेहनत करना उस चीज़ के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए, उस कनेक्शन के लिए, उस इंसान के लिए, और आप खुद ही देखोगे कि नेक्स्ट हाफ जो होगा उसमें आपको उसका जो है वो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. वैसे कुछ लोग, अगर इफ़ यू आर मैनिफेस्टर, आपको पता होगा कि आप जितना एक्साइटेड खुश होगे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, जितना एज एफ कि वो ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है आपके साथ, अगर आप इस एनर्जी में ऑलरेडी टैप इन कर जाओ, जो मैंने अभी एक्सप्रेस की विद द सन एंड द हेरोफांट, तो ऑलरेडी शायद आपको एफर्ट भी कम करना पड़े और जो चीज़ आपको यू नो सेकेंड हाफ में मिल रही है, हो सकता है वो फर्स्ट हाफ में ही मिल जाए. तो यू नो इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई दैट एज वेल. और अगर आप यू नो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टक है किसी भी तरह से, तो आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को मिस आउट कर रहे हो. कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप लेना है. एक स्टेप जैसे ही लोगे, चीज़ें खुद ब खुद आगे, वन यू नो वन आफ्टर अनदर जो है वो खुद से
सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। आप कहीं ना कहीं पहला स्टेप लेने में ही शायद घबरा रहे हो, शायद पहला स्टेप बहुत ही इमेच्योर टाइप का होगा, लेकिन उसके फायदे आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस काम पे लगोगे, उस चीज़ पे लगोगे, तो आपको उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है अगर आप, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप ओवरनाइट आपको सक्सेस भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपने कोई जॉब पकड़ी हो कि ठीक है मैं ये जॉब कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। इट्स मोर लाइक कि फन सेक के लिए कुछ शुरू किया एंड देन इट्स गोना ग्रो सो बिग, वो भी ओवरनाइट। तो उस तरह की एनर्जीज भी हैं, सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप काम के बारे में हम बात करें तो देर इज अ लॉट ऑफ सक्सेस इज वर पिकिंग अप कमिंग फॉर यू, स्पेशली जो जो सेकेंड वीक से लेके जो बाकी का महीना होगा उसमें आपको सक्सेस दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रेजिंग होना शुरू हो जाएगी आसपास से हर जगह से, और लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, और आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस जो आपको बूस्ट मिलेगा वो एक एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आप मैग्नेट हो जाओगे हर चीज़ की जो आप चाहते हो, चाहे वो लव है पैसा है, कुछ भी जो भी आप चाहते हो वो आपको इजीली जो है मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब ये जो बात अभी मैंने बोली उससे मुझे माइंड में आया कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके अंदर राइट नाउ, अगर हम अभी की सिचुएशन में बात करें, जैसे ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ऑन द 28th ऑफ अक्टूबर आई थिंक, हाँ, तो जैसे ही आप नवंबर के महीने में जाने वाले हो, सो आपको चाहिए कि आपके अंदर का कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये शायद मुझे करेक्ट करनी चाहिए, ये शायद मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, आप अगर उस चीज़ के ऊपर काम कर लो तो आपकी अगर आपको कोई भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज़ में, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, चाहे अगर आप जॉब अप्लाई करने लगे तो आपको लगता है कि नहीं शायद मुझे मेरा रेज्यूमे जो है वो इसके साथ अच्छा लगेगा, तो मे बी यू शुड डू दैट। कुछ ऐसा आपको एक्शन लेना है, कुछ ऐसा आपको काम करना है जिससे आपकी वर्थ जो है वो बढ़ेगी, और वो ऐसे बढ़ेगी कि जिससे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेबी स्टेप इज़ गोइंग टू टेक यू फर्दर, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करें। अगर लव लाइफ की हम बात करें, हो सकता है कि पहले अपने पर्सन को रीच आउट करना आपके लिए अच्छा रहे, अगर आप वो डिसीजन लेते हो तो हो सकता है उसमें भी आपको कामयाबी मिल जाए, हो सकता है उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए। सो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, बट येस, वन बेबी स्टेप इज गोइंग टू टेक यू टेक योर हेड विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अबंडेंस टू जस्ट ड्रॉप इन टू योर लैप। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी खुशियाँ आपकी जैसे आपको ब्लेस की जाएंगी कि ये आपकी हुई, ये भी आपकी, जैसे आप किसी कोई लकी ड्रॉ में जैसे आप बिला वजह के विन करी जाता करी जाता करी जाता, उस तरह की चीज़ लग रही है कि एक के बाद एक चीज़ आपकी वर्कआउट होगी एक के बाद, मतलब इसलिए मैंने वो मैग्नेट का वर्ड यूज़ किया था कि चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन जो है वो इस तरह से बेहतर होने शुरू हो जाएंगी कि जिसका आप अभी राइट नाउ सोच भी नहीं सकते। सो मेक श्योर कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है कि जिसके ऊपर काम करना शायद आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे सपोज लुक्स हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया, कोई आपको अगर आप वर्किंग वो उसमें एनवायरनमेंट में हो या किसी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ ऐसा बेबी स्टेप, कुछ जस्ट जस्ट लुक फॉर दैट वन बेबी स्टेप, बिकॉज बेबी स्टेप इज गोइंग टू टेक यू फर्दर। सो जस्ट ट्राई टू डू दैट, और या देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करते हैं, उसके बाद हम कलर का ऐड करेंगे, पहले ये वाला देखते हैं। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, वाओ, योर विश इज गोइंग टू गेट ग्रांटेड, टाटा। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी कर रहे हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि अभी इस महीने में जब आप शुरू करोगे महीना फर्स्ट को या सेकंड को जाकर आपको एक स्टेप लोगे जिसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ेंगी। लेकिन वही बात आती है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो वो एक एक बेबी स्टेप लिया उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा होगा। सो वही मैं कह रही हूँ कि इट्स गोना बी समथिंग हार्ड हार्डली वर्कड फॉर, इट्स नॉट गोना बी लाइक कि आउट ऑफ नोवेयर कुछ हो गया अच्छा और आपका 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 वो आपकी किस्मत जाग उठेगी या कुछ इस तरह से। आपने काफ़ी वर्क किया जो कि शायद अनसीन रहा हो, अगेन वो हो सकता है कि मेंटल वर्क हो, इसलिए मुझे मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने एफर्ट किया हो लेकिन साइलेंटली किया हो ताकि किसी को पता ना चले कि आप इस चीज़ के लिए काम कर रहे थे, एंड देन जब वो काम हो जाएगा तो देन यू आर गोना शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। सो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, बट येस आई डू सी यू इन्जॉइंग सेलिब्रेटिंग समथिंग गुड इन द स्टार्ट हो जाएगा ये चीज़ जो ये पॉजिटिविटी है ये स्टार्ट हो जाएगी पहले हफ्ते के बाद से। सो देखते हैं दूसरा ऑरेकल क्या ऐड करता है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक।
अगर लव लाइफ को लेके आपने कोई एक स्टेप लेना है, लाइक आई सेड, अगर आप किसी से रिकंसाइल करना चाहते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्लीज़, अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो, आप किसी को रीच आउट करते हो और आप सोचते हो कि चलो ठीक है, मैं सादिया ने कहा कि तुम पहला स्टेप ले लो, तो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बट ऐसे नहीं लेना कि आप इतना रो रहे हो एंड यू नेक्स्ट डे वेक अप एंड यू सोच, ओके, यू थिंक कि आपको मुझे उसको टेक्स्ट करना चाहिए. ऐसे माइंडसेट, ऐसे सिचुएशन में टेक्स्ट नहीं करना. आपने पहले अच्छे से मेडिटेट करो और एक्सपेक्ट करो कि जब जैसे ही आपने मैसेज किया उस बंदे ने या बंदी ने चेक किया एंड आपको रिप्लाई बैक किया, बिकॉज दे वर मिसिंग यू टू, दे वर थिंकिंग ऑफ यू टू. इस तरह से पहले मेडिटेशन करके उसके बाद उसको रीच आउट करो, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा होपफुली. सो यप, सो या वाओ, देखते हैं कलर कार्ड क्या है आपका. इंडिगो, इम्प्रूव योर विजन, तारा, विजुअलाइजेशन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी, स्पेशली पूरे महीने में, नवंबर में, सो यूज़ दैट. इंडिगो आपका लकी कलर रहेगा, नंबर 40 इंडिगो. सो ये आप पहनना चाहो तो पहन भी सकते हो, वरना उसके अलावा अगर आप जेम्स ज्वेलरी पहनते हो तो आप उसमें भी ये कलर यूज़ कर सकते हो. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने पायल 2 चूज़ किया. अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.